आज मैं बनाने जा रही हूँ उपमा। उपमा को हम ब्रेकफास्ट में सर्व करते हैं और इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज के इस उपमा के रेसिपी में मैंने प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया है। आप इसमें अपने पसंद की सब्जियां जैसे गाजर, बीन्स वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आपको आज की रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो में कॉमेंट कर बताएँ, वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आइए आज की ब्रेकफास्ट रेसिपी शुरू करते हैं। उपमा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक पैन में सूजी ली है। आप इसमें बारीक या मोटी वाली कोई भी सूजी इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने ये मोटी वाली सूजी इस्तेमाल की है। गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आंच पर इसे लगातार चलाते हुए भूनें। बस हमें हल्का सा सूजी का कलर चेंज होने तक भूनना है। 4-5 मिनट बाद हम देखेंगे कि सूजी का हल्का कलर चेंज हो गया है। इसे मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। पैन को हम थोड़ा सा क्लीन कर लेंगे और सेम पैन में हम तेल गरम करेंगे। तो ये मैंने 2-3 चम्मच तेल डाला है। जैसे ही तेल गरम हो जाए हम इसमें डाल देंगे सरसों और जीरा। तो ये मैंने 1 चम्मच सरसों डाला है, 1/2 चम्मच जीरा डाल देंगे। धीमी आंच पर इन्हें हल्का पका लें। अब हम इसमें डाल देंगे कड़ी पत्ता, हरी मिर्च और अदरक। तो ये मैंने कड़ी पत्ता डाला, 3-4 बारीक कटी हुई हरी मिर्च डाल देंगे और ये मैंने 1 इंच अदरक ली है, इसे मैं कूट कर डाल रही हूँ। गैस का फ्लेम धीमा रखें और धीमी आंच पर इन्हें हल्का पका लें। जैसे ही सारी चीज़ें पक जाए हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो ये मैंने 1 बड़ा प्याज लिया है। प्याज को बारीक काट कर डालें। हमें इसे तब तक पकाना है जब तक कि इसका हल्का कलर चेंज नहीं हो जाए। तो इसे पकाने में 3-4 मिनट लगेंगे। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे पका लें। तो यहाँ पर प्याज का हल्का कलर चेंज हो गया है। अब हम इसमें डाल देंगे टमाटर। ये मैंने 1 बड़ा टमाटर लिया है। इसे प्याज के साथ मिक्स कर लें। आप इसमें अपने पसंद की कोई भी सब्जियां ऐड कर सकते हैं जैसे गाजर, बीन्स वगैरह। मैंने इसमें केवल प्याज और टमाटर का इस्तेमाल किया है। गैस का फ्लेम हम यहाँ मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर हमें टमाटर को तब तक पकाना है जब तक कि ये गल नहीं जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा नमक डाल सकते हैं ताकि ये जल्दी पक जाए, या फिर पैन कवर कर दें। तो यहाँ पर मैं पैन कवर कर देती हूँ। 2-3 मिनट बाद हम देखेंगे कि टमाटर जो है पक गया है। अब हम इसमें मसाले डालेंगे। तो ये मैंने 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाला, 1/2 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर डाल देंगे। गैस का फ्लेम यहाँ धीमा कर लेंगे और धीमी आंच पर प्याज टमाटर के साथ मसालों को 1/2 मिनट के लिए पका लें। तो यहाँ पर प्याज टमाटर मसाले वगैरह अच्छी तरह पक गए हैं। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो हमने यहाँ पर 1 कप सूजी ली है, उसका 2.5 से 3 गुना पानी हम ऐड करेंगे। ये मैं गर्म पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। तो 1 कप सूजी के लिए मैं यहाँ पर 3 कप पानी इस्तेमाल कर रही हूँ। स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे सूजी जो हमने पहले से भून के रखी है। तो सूजी को आप पहले थोड़ा थोड़ा करके डालें और स्पून से इसे ऐसे मिक्स करते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। तो सूजी डालते समय आप इसे स्पून से ऐसे लगातार चलाते रहें। गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पर मीडियम रखा है। तो सूजी को थोड़ा थोड़ा करके डालें और स्पून से इसे लगातार चलाते रहें ताकि इसमें लम्स ना पड़े। गैस का फ्लेम यहाँ मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पर इसे ऐसे मिक्स कर लें। तो उपमा हमारा ऑलमोस्ट बनके तैयार है। गैस का फ्लेम यहाँ ऑफ कर देंगे और सबसे लास्ट में इसमें डाल देंगे हरी धनिया। तो ये मैंने हरी धनिया डाली, इसे उपमा में मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा बहुत ही आसान ब्रेकफास्ट रेसिपी बनके तैयार है। आप इसे अपने तरीके से सर्व करें। आप चाहें तो इसे प्लेट में निकाल लें या फिर आप इसे एक बोल में निकाल लें, मतलब इससे ये दिखने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बोल में मैंने उपमा रखा है। स्पून से इसे ऐसे स्मूथ कर लेंगे और उसके बाद प्लेट में इसे ऐसे पलट दें और ये देखिए दिखने में कितना अच्छा लग रहा है। तो ये हमारी बहुत ही आसान और टेस्टी ब्रेकफास्ट रेसिपी उपमा बनके तैयार है। मैंने इसमें केवल प्याज और टमाटर इस्तेमाल किया है, लेकिन आप चाहें तो इसमें अपने पसंद की सब्जियाँ ऐड कर सकते हैं। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें और यदि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो में कमेंट कर बताएं, वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस की आपको सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले।